Very good afternoon, people. If you all can hear me, please show me a thumbs up so that I know you can hear me. Okay, and Vesha, thank you. The thumbs up. Thank you, Yug. Right. So, okay. Zara has also given Manasvi also. Thank you, dear. Thank you, people, for the thumbs up. Okay, so let's begin today's session. But before we begin, your exams are over. So, feeling relaxed now? Huh? Tension over or still more tension? Okay, Hosea is giving me a thumbs up stating tension over. All right. Okay, and Vesha says yes. Achha, I thought tension has begun now because abhi to exams ho, ab result ka wait karenge. Kitne marks aayenge, huh? Abhi to hum result ka wait karenge. To tension to actual mein ab badhega, right? कि आंसर ठीक था या नहीं, मैम करेक्ट करेंगी या नहीं, मैम को समझ आया नहीं आया, हाँ, right, okay, चलो, don't worry, don't take tensions, I'm sure you must have done good, okay, all right, so you remember where we left in the last class? Anyone remembers? किसी को याद है हम क्या कर रहे थे last class में? Just raise your hand. Okay, yes, Huzaira. Yes, ma'am. मैम हमने लास्ट क्लास में आपने म्यूट कर लिया अपने आप को या मैम हमने हमारी हॉबीज बताई थी कि हमें क्या क्या करना पसंद है आपने ये एक्टिविटी करवाई थी हॉबीज यस मैम माइसेल्फ नो आई डिड नॉट डू माइसेल्फ हॉबी आई थिंक यू आर कंफ्यूजिंग इट विद सम अदर क्लास नो मामा आपने शीट पे बनवाया था क्या बनवाया था मैम की हमें अपने बारे में लिखना है हमें क्या क्या करना अच्छा लगता है मैम मैंने लिखा था आई एम अ प्लांट लवर आई लव टू डू प्लांटिंग हमें बेटा अपना वो लिखना था दिस व्हाट डू यू से इन द लास्ट क्लास इमोशन व्हील हमने लास्ट क्लास में इमोशन व्हील बनाया था यस मैम तो उसमें तो प्लांट लवर नहीं है ना उसमें तो आपने सिचुएशंस लिखने थे राइट यस अन्वेषा व्हाट यू आर शोइंग वाज द थिंग दैट वी हैड डन राइट सो यस इन द लास्ट क्लास इफ यू रिमेम्बर वी हैड मेड आवर इमोशन व्हील आपको 8 इमोशंस दिए थे बेसिक इमोशंस जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं तो आपने सिर्फ सिचुएशंस रिफ्लेक्ट करने थे कि आप कब हैप्पी होते हो आप कब सैड होते हो क्या चीज आपको डराती है वरी कराती है क्या चीज आपको एक्साइटमेंट देती है सो यू हैड टू रिफ्लेक्ट ओवर दैट आपको याद आया डिड एनीवन रिमेंबर्स इट अन्वेषा आई नो हैज डन इट सो शी रिमेंबर्स इट वेल एनीवन एल्स हु रिमेंबर्स इट जस्ट गिव मी अ हैंड रेज इफ यू रिमेंबर ओके मनस्वी रिमेंबर्स इट राइट सो व्हाट अबाउट अदर्स आपने नहीं किया इसलिए आपको याद नहीं है या फिर एग्जाम की वजह से हम भूल गए हाँ व्हाट्स द रीजन फॉर फॉरगेटिंग ओके इफ यू हैव फॉरगॉटन दैट्स ओके आई विल जस्ट क्विकली टेल यू व्हाट वी हैड डन ओके जस्ट गिव मी अ मिनट लेट मी ओपन थिंग्स दैट आई नीड टू शो यू सो दैट यू कैन रिकॉल All right, so I'll share the screen with you all for a minute so that you all can remember. Okay, can you all see the screen, please? Give me a thumbs up if the screen is visible. Please give me a thumbs up if you can see the screen. Okay, Jio, thank you. I can see the thumbs up now. Right. सो आपको याद है ये हमने एक व्हील शेयर किया था जिसमें वी हैड टू राइट आवर इमोशंस हाउ वी आर फीलिंग
सो वॉट मेक्स अस फील इन अ पर्टिकुलर वे. फॉर एग्जाम्पल हम कब हैप्पी फील करते हैं, हम कब एंग्री फील करते हैं, हम कब वरिड फील करते हैं, when do we feel proud of ourselves, when do we feel sad, when do we feel excited, when do you feel surprised, when do you feel scared, wherein I had shared a few examples with you about myself. तो आपने वो situations अपने लिखने थे या फिर आपने pictures के form में represent करने थे. Now do you all remember this? अब आपको याद आया? Okay, so have all of you done it? आपने ये कर लिया है या you want to do it right now? Again, if you have not done. Anyone who has not done it? Okay, Anvesha has done it. What about Yug? Yug, have you done this? Okay. Harinder? आपने कर लिया है? Show me a thumbs up अगर आपने किया है तो. Harinder, you are not even aware कि मैम बात क्या कर रही है, हाँ? Okay, Ayushi, are you fine? Okay, आपने कर लिया emotion wheel? Okay, fine. So do you remember this कि emotion wheel हमने कौन से health के topic के अंदर किया था? Anyone remembers ये कौन से type of health में आएगा हमारे emotions, हमारे feelings को समझना? हम health कर रहे हैं ना, तो कौन सा health का aspect है ये? Physical, mental या social? Anyone who remembers emotions हमारे कौन से health के part में आएंगे? Okay, Anvesha? Mental health. It was about mental health, right? So yes, mental health में ही आएंगे. So mental health क्या होती है हमारी? Mental health is about our thinking. हम कैसे सोचते हैं, हमारे thoughts क्या हैं, हमारे emotions क्या हैं, हमारे feelings क्या हैं. ये सब हमारा mental health. Okay. Now a quick recap अगर आपको याद कराना हो. For example, let's say आपका exam finish हुआ. You're very excited today. Okay. You are happy. You want to jump. You're very happy. Now, all of a sudden, while you are jumping and all, you just get hurt. Okay? अब जब आपको वो चोट लगी, वो आपको क्या ज़्यादा इफेक्ट देगी कोई? आप ज़्यादा उसपे ध्यान दोगे? नहीं दोगे ना, क्योंकि आप already बहुत excited हो कि आज एक tension हमारा finish हो गया, हमारे exams finish हो गए, right? तो ये mental health है. But on the contrary, let's say आपका किसी से fight हो गया आज, ठीक है? और उसके बाद अगर आपको चोट लगी, तब आप कैसा feel करोगे? वैसे एक्साइटेड रहोगे या फिर थोड़ा सैड, डिप्रेस्ड और इरिटेटेड फील करोगे? इरिटेटेड, राइट? सो व्हिच मींस कि हमारे जो थॉट्स थी, हमारी जो फीलिंग्स थी, वो पहले वाली, वो हमारे प्रेजेंट में भी इंटरफेयर कर रही हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट आवर मेंटल हेल्थ इज एंड व्हिच इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जो हम फील कर रहे हैं वो क्या हम उसी मोमेंट में फील कर रहे हैं या पहले भी हम ऐसे फील कर रहे थे और वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है नेक्स्ट मोमेंट. Okay, so this is the relevance of understanding our mental health. Now, if I want my mental health to be strong, what do you think I should be doing? मुझे क्या करना चाहिए so that my mental health is healthy? या फिर so that I take care of my mental health. क्या करना चाहिए मुझे? या आप सबको अपने mental health के लिए क्या करना चाहिए? Okay, Anvesha, try. Yoga, meditation. Right, yes, yoga and meditation helps to calm your mind, very true. Anything else you can do? See, when I say taking care of games. Games, yes, playing games, why not? So people, when I say taking care of your mental health, it actually means doing something that will keep you calm, that will keep you relaxed, and that will keep you more cheerful. Okay? So, जब हम शांत होते हैं, तब हम अच्छे decisions लेते हैं ना?
और अगर हम परेशान रहेंगे तो हम अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, अगर हम परेशान रहेंगे तो हम कोई काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मेंटल हेल्थ का मतलब है, ठीक है आप परेशान हुए बट वो परेशानी ना कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही, आप उसे वहीं पे देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मैथ्स का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि वन डे के बाद मेरा साइंस का एग्जाम है, तो या तो मैं मैथ्स के एग्जाम के लिए रोती रहूंगी मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ और साइंस का भी खराब कर दूं विदाउट प्रिपेयरिंग, ओके, या फिर आई एक्सेप्ट कि ठीक है माय मैथ्स एग्जाम डिड नॉट गो वेल, लेट मी स्टडी फॉर साइंस एंड स्कोर बेटर मार्क्स ताकि मेरा रिजल्ट ज्यादा खराब ना हो, राइट। आई हैव टू थिंग्स टू डू, राइट। नाउ मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखने का मतलब है कि हम यहाँ से काम है, हम रिलैक्स्ड हैं, ओके, हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है प्रॉब्लम आई है मुझे सॉल्व करनी है, ओके। सो आई विल चूज द सेकेंड पार्ट कि लेट मी प्रिपेयर फॉर साइंस। बट अगर मेरी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा, मैं टेंशन और वरी में ही रहूंगी मैथ्स के लिए और मैं साइंस का भी प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगी, राइट। सो व्हेन आई से फॉर कीपिंग माय मेंटल हेल्थ स्ट्रांग, इट मींस आई शुड बी इन अ रिलैक्स एंड अ काम स्टेट कि मैं, ठीक है कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम आती है, मैं किसी चीज से परेशान होती हूँ पर मैं उससे क्विकली बाहर भी आ जाती हूँ, उसी में लिंगर ऑन नहीं करती कि मैं आगे की चीजें भी खराब करूँ, ओके। सो व्हाट, सो वो कब होगा, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मुझे अपने आप को क्विकली रिलैक्स करने का और सिचुएशंस को देखने का तरीका मिलेगा, राइट। सो एज अन्वेषा सेड, योगा एंड मेडिटेशन, प्लेइंग गेम्स, डेफिनेटली यस, दीज आर द वेज बाय विच वी कैन मेंटेन आवर मेंटल हेल्थ। नाउ देयर आर ऑल्सो पीपल हु एंजॉय रीडिंग अ लॉट, राइट, देयर आर पीपल हु फील रिलैक्स्ड आफ्टर डांसिंग, देयर आर पीपल who feel relaxed when they are singing, there are people who feel relaxed when they are cycling, right, there are people who feel relaxed even let's say while they are doing some challenging task, jaise koi quiz play karni hai unko, usse wo relax feel karte hain. To hum sab alag hai na apne mental health ko maintain karne ke liye, yes or no, क्या हम सबका सेम तरीका होगा? लेट्स से अगर मुझे डांसिंग रिलैक्स करता है तो क्या जरूरी है वो आपको भी करेगा? नहीं, राइट। तो मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखने के वेज तो बहुत सारे हैं बट कौन सा मुझ पे सबसे ज्यादा काम करेगा, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स, ओके। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ देन वॉट वर्क्स बेस्ट फॉर मी, देर आर फ्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट When I am in some doubtful situation, I prefer staying with myself. मैं चुप होकर सोचना prefer करती हूँ. So when I am thinking, I am getting things out. I am getting solution. Okay? Secondly, when I am, let's say, when I dance, I feel relaxed. When I listen to music, I feel relaxed. When I play, I feel relaxed. So अब वो play सबके लिए vary होगा. For me, playing is when I am playing with my child. For you, it could be when you are playing badminton. For Devish, it could be when he is playing cricket. तो सबका play अलग हो गया ना, right? So अब आपने क्या करना है? अब आपने एक sheet लाना है और अपने लिए reflect करना है कि what makes you mentally strong. आप क्या ऐसा करते हो जो आपको mentally relax रखता है? Okay? So represent it in as creative way as you want. आप उसको पिक्चर्स के थ्रू बनाइए, आप उसको कलरिंग करिए, आपको जैसे बनाना है आप बनाइए, ओके। सो जस्ट गेट द शीट एंड कलर पेंसिल्स, व्हाटएवर यू हैव, जस्ट गेट दैट, स्केच कलर्स, कलर पेंसिल्स, आपके पास जो भी, आप क्विकली ले आइए शीट, रफ नोटबुक, व्हाटएवर यू हैव, ओके। देन आई विल शो यू द ऑन पेंट हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट इट, क्विकली गो एंड गेट इट। So I'll count till 10 in the meanwhile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right there, Vish and Vesha, I can see the things. Yes, Manasvi. Ma'am, I don't have sheets. I use the rough copy. Yeah, you can. Okay. Yeah. All right.
So I'll just share the screen with you so that you know what you have to do. Okay, you can see this paint that's open. Is it visible to all of us? Can you please say a thumbs up to know it's visible? Okay, fine then. All right, so what you have to do is, आप सेंटर में अपने आप को कैसे भी रिप्रेजेंट करिए. ओके, आई एम यूजिंग अ सर्कल राइट नाउ. अगर आप चाहें तो आप ह्यूमन आउटलाइन भी बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, व्हाटएवर पिक्चर यू आर कंफर्टेबल इन मेकिंग, राइट. एंड देन इन द सेंटर यू आर राइटिंग व्हाट, रिलैक्सेस मी एंड काम्स. Okay, so this is what you will write in the center. आपको जरूरी नहीं है कि सर्कल या ओवल ही बनाना है, आप कुछ भी बना सकते हैं सेंटर में. After that, you can take out certain arrows. Okay, for example, I take out certain arrows, as in what all things relax me. So let's say if I have to say, listening to music relaxes me. So अब मैं वहां पर लिख भी सकती हूँ यहाँ पे. Let's say I write listening music. And I can also draw the headset. So let's say I draw the headset. So listening music, I have represented with the headset. Okay. Similarly, let's say the second thing that I want to write is what relaxes me instantly is dancing. So for dancing, I can draw a stick figure also to represent it. You can make it as colorful as you want. आपको मेरा कॉपी नहीं करना, आपने अपना बनाना है. मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ दो चीजों के हेल्प से कि आपने कैसे करना है. So let's say I've shown this as dancing. या आप कोई और इमेज बना सकते हो. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू. ओके, तो आप बीच में अपने आप को कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. आप एक ह्यूमन का आउटलाइन बना सकते हो, आप स्टिक फिगर के अंदर बना सकते हो. दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, बट द सेंटर शुड हैव व्हाट रिलैक्सेस मी एंड काम्स मी. सो देन यू आर राइटिंग लिसनिंग म्यूजिक डांसिंग एंड ऑल. सो क्विकली डू इट एंड देन वील हैव अ शेयरिंग. And make it as colorful as possible. Yes, Huzaira, you have a doubt? Yeah, ma'am. Ma'am, yeah. I am asking, जैसे कि ma'am बिल्कुल हम इसमें कुछ ऐसा लिख सकते हैं जैसे ma'am हम कुछ eat करते हैं या फिर drink करते हैं उससे हमें relax मिलता है, ऐसे भी लिख सकते हैं. You can if it is something like that, but you have to name that thing, okay? Don't say.
समथिंग या बी स्पेसिफिक. जैसे मैंने स्पेसिफिकली लिखा है ना लिसनिंग म्यूजिक, या अगर मैं प्ले लिखती तो इफ आई वुड हैव चोजन टू लेट्स से रिटन बैडमिंटन, तो मैं फिर वहां बैडमिंटन का पिक्चर बनाती. ओके, सो वेरी स्पेसिफिक यू हैव टू राइट विच इज परटेनिंग जस्ट टू यू, राइट? I really can't see a B. Uzera, let me do, when I stop the screen now, then I'll enlarge and see you. Okay? Yeah, I can see something with the pencil, but I really can't read it. You want to say something? Yeah. Ma'am, humne bhi yehi likha hai jaisa aapne likha hai, which relaxes me and calm me. Okay, so ab aap apna apne bare mein likho ki kya kya aap aisa karte ho jo आपको हेल्प करता है रिलैक्स होने में और हैप्पी रखे, काम रखे बेसिकली. हरिंदर, आर यू वर्किंग? आप काम कर रहे हैं? प्लीज शो मी द शीट. ओके, देर आर लॉट मेनी पीपल विद योर वीडियोस ऑफ, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो. अबानी, श्रेय, जैद, श्रेष्ठ. Okay, Tamanna, great, you have turned on your video, dear. Soumya, I'm still waiting for you all to turn on your videos. Right, Shreya. Are you a teacher? Sorry. So, ma'am, you may turn off the video. It wasn't written your LPFSS, no? So I got confused. It's a child there. You may turn off. Yeah. Once you're through, you may share. I'm just waiting for you all to share. Iqbal, are you doing the work? Aap kar rahe ho? Show me a thumbs up if you're doing it. Okay. Yes, Anvesha. Ma'am, I have done my work. Oh, you've done great. Let me just change the view. Okay, so you enjoy watching TV. Holiday relaxes you. After that, what you have written with Mama? Dancing, I have seen. And dancing. Then I lie with my mother. Okay. I would love if you just show what I've written. Right. Great, Anvesha. Thank you, ma'am. I just want to tell you one thing. Jaise aapne holiday likha hai na, holiday is when you go. To aap roz ke basis pe bhi ek do cheeze add karo. Ki har roz kya karte ho? Kyunki holiday hum har roz nahi kar sakte na. To har roz par aur kya kar sakte ho? Wo soch ke likho saath mein. Unmute first. Okay, ma'am. Yeah. Thank you. Okay, then it's Naksh who is done. Yes, Naksh. Naksh, please unmute yourself.
Anyone else who is done? Devish, have you done? Okay, please share. Okay, one sec. You're still doing it. आपने complete कर लिया? आप कर रहे हो? मैम थोड़ा सा बाकी रह गया. ठीक है, कर लो पहले आप. पहले आप finish कर लो, फिर share. अबे यार ते दखी मनस्वी यू हैव डन ओके यू नीड टू मोर मिनट्स Ma'am, I do sketch outlining. Okay, you'll need 2 minutes for it. Sufficient? Okay. Yes, ma'am. Tamanna, have you done the work? Tamanna, please unmute yourself. Ma'am, 2 minutes. You need 2 minutes. Okay, quickly do it. Do you please unmute? Ma'am, my name is Jazz. What's your name? Jazz. Why you have signed in from your brother's ID then, dear? How do you spell your name? Jazz. Double Z. Okay. Yes, Jazz. Share yours. Aap read out karo pehle. You've written watching TV, playing. Playing what? Ma'am, screen show kar do. Ma'am. Naksh, please mute yourself. Yeah. Jazz, just come again. Playing sap CD. Okay, snake. तो उसमें नीचे लिखो snake and ladders. Playing के साथ, ठीक है? Then you have written drinking milk. Okay, reading. Okay, reading what kind of books? English reading करते हो आप, हिंदी करते हो? उसमें आप कैसे पढ़ते हो? आप stories पढ़ते हो, ghost stories पढ़ते हो? या आप कॉमेडी नॉवेल्स पसंद करते हो स्पेसिफिकली लिखो ठीक है ओके मैम और टीवी में व्हाट डू यू एंजॉय वाचिंग कार्टून्स यस मैम सो व्हाई डोंट यू मेक योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर वो और ज्यादा क्रिएटिव नहीं लगेगा फिर बताओ
ऑगी एंड द कॉकरोच. यू कैन मेक इट मोर क्रिएटिव. ओके ओके या ग्रेट जेस फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव टू नो अबाउट योरसेल्फ. एनीवन एल्स हु इज रेडी? श्रेया, yes ma'am. Yeah, are you sharing it? Yes ma'am. Yeah, please share. Ma'am, यहाँ हमने लिखा है playing Ludo. Okay, very specific, right? Dance on music. Okay. Playing badminton. All right. Help in home hold work. All right, great. Can you flash your screen for me to flip the picture? Your sheet completely. Okay, that's nice. Shreya, you have written very specifically the names of games and all. Great, dear. Thank you, ma'am. Yeah. Anyone else who's through? Laksh, I'll just share the screen with you for 2 minutes. So please quickly write the statement. It will not take more than 2 minutes. Can you see the screen, Laksh? Okay, quickly copy. Then I'll have to see who's done. Okay, Manasvi, give me a minute. I'll just ask you to share. Okay, मैंने अभी screen share किया हुआ है ना, तो मैं आपका work clearly नहीं देख पाऊंगी. Just give me 1 minute. I'll stop the screen share after 1 minute. Naksh, you have done? Okay, fine. Yes, first I'll ask Manasvi, then Yuk. Okay? Yes, Manasvi. Ma'am. Okay. Now, okay. Listening music. Okay. Sleeping. Okay. Playing badminton and eat. Okay. So can I click the picture? Oh. Thank you, dear. Welcome. Listen music, watch my favorite gamer video, playing carrom and playing football. Okay. Right. Nothing, Anvesha, mute yourself. Okay, Yug, great that you've shared. Tamanna? Ma'am,
तमन्ना आई कांट सी एनीथिंग रिटन. आपको पढ़ना पड़ेगा. आपने पेन से लिखा है? यस मैम. आपने पेन यूज किया है? नो मैम. फिर मैम एक सेकंड. आपने पेंसिल से लिखा है बेटा? मैम. या नाउ आई कैन सी यू हैव यूज्ड द पेंसिल व्हिच इज व्हाई इट वाज नॉट विजिबल. ओके साथ साथ आप बताओ, रीड करो. ओके मैम. मैम स्लीपिंग. ओके. टॉकिंग विद माय फ्रेंड. ओके. प्लेइंग हाइड एंड सीक. रीडिंग स्टोरीज बुक्स. Going to park and ma'am drawing. And drawing. Wow, there are so many things that you've written, Tamanna. That's amazing. Thank you, ma'am. Great. Okay, Davish. All right, Davish. पहले आप share कर लो, read कर लो, then I'll take the picture. Playing cricket, potty, drawing and coloring. Okay. Be running. All right. So share it now. Okay. Right, Devish, I've seen. Yes, Jazz. Okay, you have added it further. Great. Snakes and ladders you've written, and you've written Ogie and cockroaches. Okay. Right. Okay, Jazz. Okay, so people, after doing this activity, now do you really think कि अगर हम हर रोज कुछ भी नहीं करेंगे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए तो क्या हम मेंटली हेल्दी हो पाएंगे? अगर हम सिर्फ टेंशन और बर्डन और वरी में रहेंगे तो do you think we will be mentally happy? Do you think हम कभी भी रिलैक्सेशन फील करेंगे या कोई भी डिसीजन हम अच्छे से लेंगे अगर हम कुछ भी ऐसा नहीं करते अपने लाइफ में that relaxes us? How your life would be if you don't do anything to relax yourself? Think, kaisi hogi life? Anyone who would like to guess? Huzaira, give me a minute. I'll see your work. I've seen you flashing it. Yes, people. कैसी होगी लाइफ अगर आप ये सब एक्टिविटीज जो आपने सिर्फ अपने लिए लिखे हैं अगर आप ये दिन में एक बार भी कोई भी एक्टिविटी नहीं करो कैसा होगा आपका डे? बहुत प्रोडक्टिव होगा? बहुत सारा काम कर पाओगे उस दिन? यस योग. मैम बोरिंग एंड लेजी. इट विल बी बोरिंग एंड लेजी. वेरी ट्रू. Anyone else who thinks differently? Okay, I got something. Okay, Krisha says bad, that the day is going to be bad. Very true. And moreover, your productivity will also decrease. अब आप खुद सोचो कि कोई machine है, ठीक है? Let's go with the analogy of a machine. अब वो machine पूरा time 24 hours काम किए ही जा रही है, किए ही जा रही है, किए ही जा रही है. वो कितने डेज काम कर लेगी विदाउट स्टॉपिंग? फॉर हाउ मेनी डेज? वन डे, टू डे, एट द मोस्ट थ्री डेज. यस और नो? मैक्सिमम थ्री डेज. अगर वो स्टॉप ही नहीं होती इवेंचुअली क्या होगा? मशीन खराब हो जाएगी. राइट. सो सेम हैपेंस विद अस. इफ यू डोंट फॉलो दीज टेक्निक्स विच रिलैक्सेस अस, विच काम्स अस, देन वी आर लाइक दैट मशीन विच इज नॉट स्टॉपिंग. तो हमारे साथ भी क्या होगा? हमारी फिजिकल एक्टिविटीज भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हम मेंटली रिलैक्स ही नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे. तो क्या इफेक्ट आएगा हम पे भी?
we'll experience extreme tiredness. Yes? हम बहुत tired tired feel करेंगे, हमें ऐसे लगेगा हमारे में energy नहीं है, and eventually we'll be just resting and resting and resting. Right? Yes or no? Right. So, and also as you said, it will be boring. Because अगर मैं आपको कहूँ कि आज आपने ना 7 hours सिर्फ पढ़ाई करनी है, subject periods हैं आपके, कोई activity period नहीं आएगा बीच में, तो आपको कैसा feel आएगा? ऐसे करोगे ना, my god, 7 hours हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, है ना, ऐसा फील आएगा ना, राइट? सो बोरिंग से क्या होगा, बोरिंग फर्स्ट साइन है एनर्जी लेवल डिक्रीज होने का. क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को मैसेज मिल गया, ओके द डे इज वेरी बोरिंग, सो वो एनर्जाइज तो होगा ही नहीं, वो तो सिर्फ थकेगा. सो योर डे विल टर्न आउट टू बी बैड, बिकॉज आफ्टर सेकेंड और थर्ड क्लास आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा क्लास में क्या हो रहा है, राइट? सो विच इज वाई even during this pandemic, it's important for us to take care of our mental health. तो आपकी mental health जैसे भी strong होती है, जैसे भी आप relaxed feel करते हो, वो activities आप अपने पूरे दिन के routine में डालो. Maybe 1, maybe 2, maybe 5, that's your choice. Depending on आपके पास कितना time available है. But put it. Because वो आपको जब relaxed रखेगा mentally, तभी आप ज़्यादा काम कर पाओगे. नहीं तो यू आर जस्ट लाइक दैट मशीन दैट विल जस्ट स्टॉप इफ इट विल नॉट गेट एनी रेस्ट और रिलैक्सेशन. ओके, सो इवन एज मनस्वी सेड स्लीपिंग, यस, टेकिंग अ नैप फॉर अ वाइल आल्सो रिलैक्सेस अस. सो यू कैन ऑलवेज टेक दैट स्मॉल नैप आल्सो इफ यू फील लाइक इन बिटवीन. ओके, बट डोंट टेक इट व्हेन योर मैम इज यू नो टीचिंग यू. फिर ये नहीं कहना कि वो पीडी वाली मैम ने कहा था कि सो जाना, मैम ने ये नहीं कहा था कि क्लास के बीच में सो जाना, प्लीज क्लास के बाद सोना. Okay, clear, right? Yes, Uzaira, share yours. Yes, ma'am. Yeah, you'll have to read it out. Ma'am, first I write, I love to drink coffee, it relaxes me. Okay, and ma'am, I have a stuffed toy rabbit, so I like to play also with it. And it also relaxes me. So I made a sign of teddy. Okay. And then third, I likes to listen music. And then you also like listen music. I can't copy yours. So ma'am, I made a sign. Okay. That's nice. And ma'am, fourth is reading books of English stories. Okay. Ma'am, riding bicycle. Okay. And ma'am, playing in park, ma'am, it's not regularly, it is weekly because park is far. All right. Yes, ma'am. And will you just flash it for me to take the picture? One second. Okay. Right. Thank you, dear. And you made it very colorful. Great. So, right, people, with this, we come to an end for the session. And with this, we wind up with our mental health. Okay. In the next class, we'll move on to the last part of our health that's left, which is the physical health. So, up tak humne social health cover kar liya hai, which is about our relations. Humne second aapka mental health cover kar liya hai. Ab hum third part par aayenge, which is our physical health. Okay, so see you all. Have a wonderful, wonderful day. Enjoy your day. Bye all. See you.